हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रपल अस्सी फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा हिंदी के अस्सी क्वेश्चन आने हैं यूपी ट्रपल अस्सी फॉरेस्ट गार्ड में लेकिन आज मैं चालीस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ तो काम चला लीजिएगा कल से आपको पूरे अस्सी क्वेश्चन का टेस्ट मिला करेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अन एकेडमी आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत अलग अलग कोर्स चला रही है जिसमें एक कोर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यूपी ट्रिपल एस सी लेक बैच जो कि आपका से, नाइन फरवरी यानी कि कल से स्टार्ट भी हो जाएगा और इसका ड्यूरेशन जो है वो थ्री मंथ है यानी कि एक टारगेट बैच है अगर आप इस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जैसे ही अगर आप इस कोर्स को परचेस करेंगे तो ऐसा नहीं है केवल आप इसी कोर्सेस को देख पाएंगे जितने भी यू पी एस सी कैटेगरी के अंतर्गत कोर्स चल रहे होंगे उन सारे कोर्सेज को आप अप्लाई कर पाएंगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ तो सब्सक्रिप्शन को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो वहाँ पर आप रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट दस का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन सा आपके सामने ये रहा कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं तो हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं तो सही आंसर हो जाएगा आपका आठ एक बार मैंने बताई भी थी कौन कौन सी है ना अगर आपको नहीं पता तो फिर से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी भाषा की कि कितनी विख्यात बोलियाँ हैं आठ हैं ठीक है कौन कौन सी ये बता चुका हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बताना हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पृथ्वीराज रासो और किसके द्वारा लिखा गया है ये चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका जल्दी बताओ आदिकाल आपका है भक्ति काल आपका है उत्तर मध्य काल आधुनिक काल आप कौन सा कौन सा है? काल नहीं है तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त काल चौथा ऑप्शन करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू है कि क्रियापरक व्याकरण कोटी चिन्हित कीजिए कौन सी क्रियापरक व्याकरण कोटी है तो सही आंसर हो जाएगा आपका कारक पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है ये एक व्याकरण की कोटी है ठीक है ना चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है तो ये अच्छी थी मैं थी जो है ये एक योजक क्रिया है पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट के मूल अधर्म, आ, मूल अधर्म अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है जल्दी बताओ तो उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं साधित सकर्मक धातु तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं धातुएं अकर्मक एवं सकर्मक दो प्रकार की होती हैं। मूल अकर्मक धातु प्रत्यय जोड़कर सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं ठीक है ना और विकल्प में पहले से बता दिया गया है, सकर्मक धातु दिया गया है अतः यही उत्तर होगा आपका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट सारंग छीनो पाई के सारंग गई कई गई, गई चोट यहाँ पर कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ यमक अलंकार होगा यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जब एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है तो वहां पर यमक अलंकार होता है जुगुब्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है यानी कि जुगुप्सा किस रस का स्थाई भाव है तो जुगुप्सा जो है ये बीवस रस का स्थाई भाव है तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है कौन सा छंद का प्रकार नहीं है चौपाई छंद होता दोहा होता होता दृष्टांत अलंकार होता छंद छोड़ी ना है तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत है ये सारी जो संधि है वो संधि के किस मूल के अंतर्गत आती है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका स्वर संधि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट से पचास आपको समास बताना है भ्रष्ट में कौन सा समास होगा से भ्रष्ट हो में कौन सा समास है पहला पद संख्या वाचक है तो आंख बंद करके दिग्घु समास लगा दो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सुमित्रा नंदन कौन की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है

बाकी के जो क्वेश्चन है ना फिफ्टी थ्री से फिफ्टी सेवन ये गद्दांश में चले गए फिफ्टी एट से सिक्सटी टू आपको क्या करना है ये एक भाग को एक जो भाग के उसको चार भागों में विभक्त कर दिया गया है जो भाग गलत है उसकी आपको चुनना है रामचरित्र मानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठम रचना मानी जाती है तो अब देखो ये क्वेश्चन हो चुका है एक बार बिल्कुल सेम टू सेम हो चुका मुझे पढ़ करके याद आ गया तो देखो सबसे श्रेष्ठतम अब देखो श्रेष्ठम भी लगा और सबसे भी लगा तो श्रेष्ठम की जगह सबसे सबसे नहीं लगेगा इसलिए दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर त्रुटि है ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है देखो प्रातःकाल जो है वो पहले से ही एक समय का धार धारक है समझ रहे हैं ना और यहाँ पर समय भी लगा दिया तो ये समय वर्ड नहीं लगेगा तो इस पार्ट के बी पार्ट में ही गलती है जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी देखो विसर्जन नहीं होता क्या होता है विसर्जित हो चुकी थी क्या हो चुकी थी सभा जो है वो विसर्जित हो चुकी थी यानी कि इसके कौन से भाग में गलती है तो यहाँ पर तीसरे भाग में गलती है यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी जल्दी बताओ तो इसके किसी पार्ट में गलती नहीं है तो ये कोई त्रुटि नहीं होगा चौथा ऑप्शन करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है अब खुद बताओ शुद्ध गाय का घी गाय का शुद्ध घी होता तो इसके बी पार्ट में ही गलती है सिक्सटी थ्री से सिक्सटी सेवन आपको क्या करना है देख लीजिए चार समानार्थक वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है पत्थर को जोंक नहीं लगती ठीक है इसका आपको अर्थ बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा पत्थर को जोंक नहीं लगती तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा हटी पर कोई प्रभाव नहीं होता चौथा ऑप्शंस करेक्ट विहंगम दृष्टि इसका सही अर्थ क्या होगा विहंगम दृष्टि का तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सरसरी नज़र चौथा ऑप्शंस करेक्ट वाणी प्लस औचित का सही संधि संधि क्या होगा तो इसका सही संधि क्या हो जाएगी वाणियोंचित यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शंस करेक्ट अनवीक्षण का संधि विक्छेद क्या होगा अनवीछण का संधि विच्छेद क्या होगा तो अनवीछण का संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस ईछड़ यानी कि पहला ही ऑप्शनस करेक्ट सीतरतु का संधि विच्छेद क्या होगा सीतरतु का संधि विच्छेद क्या होगा तो सीतरतु का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीत प्लस ऋतु यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शनस करेक्ट राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है जल्दी बताओ राम सीता से सुंदर है तो इस वाक्य में कौन सा से कारक चिन्ह है और अलग होने के लिए क्योंकि राम और सीता दो अलग अलग पर्सन है तो अलग होने के लिए कारक चिन्ह का यूज हो रहा है इसलिए अपादान कारक दूसरा ऑप्शन करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है जल्दी बताओ तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जा, जा जो है वो एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन है यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले चलेक्ट क्वेश्चन आकृति की दृष्टि देखो ये मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ देखो का कावर्ग चावर्ग टावर्ग तावर्ग और पावर्ग को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है इसमें चावर्ग के उच्चारण में अधिक संघर्ष होता है और मुंह से निकलने वाली वायु अधिक घर्षण करती है यही कारण है कि इन्हें हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं जा एक स्पर्शी संघर्षी व्यंजन भी होगा ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है हिंदी आकृति की दृष्टि से बोल रहे हैं तो ये किस प्रकार की श्रिष्ट योगात्मक भाषा है तीसरा ऑप्शंस करेक्ट सकल और सकल का अर्थ क्या है सकल और सकल का सही अर्थ क्या है तो इसका सही अर्थ एक सकल माने संपूर्ण और एक सकल माने अंश यानी कि तीसरा ऑप्शंस करेक्ट और लास्ट क्वेश्चन ए राकेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है डंडा बिंदी लगी आंख बंद करके लगा देना कौन सा कारक है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि इस यहाँ इस वाक्य में कौन सा कारक है तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का टेस्ट अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे तो आप यकीन मान लो मैं केवल और केवल आपको क्या करूँगा और बोल दूंगा कि जो वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाई उसी से आप अपना काम चला लो इसलिए मैं अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहे तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ प्यार दिखाओ कई लोग तो अच्छे कमेंट्स करते हैं बहुत ज़्यादा तो उन्हीं की वजह से ही ये सीरीज़ चल रही है इस बात को ध्यान रखना ठीक है तो दोस्तों फ़िलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज आप लोग के लिए लाता रहता हूँ नमस्कार दोस्तों जय हिंद जय भारत